की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। 13 सत्र आयोजित किए जाएंगे पार्टनर कंट्री के साथ में। अलग अलग सेशन होंगे। सेशन में यूपी सरकार और केंद्र के मंत्री शामिल होंगे। पहला सत्र सुबह 10 बजे ब्यास हॉल में आयोजित होगा और पहले सत्र में नीदरलैंड पार्टनर कंट्री के साथ में सेशन होगा, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। यूपी में निवेश और रोजगार के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। समिट के दूसरे दिन यानी कि आज 13 सत्र आयोजित किए जाने, जिसमें यूपी सरकार के मंत्री और केंद्रीय मंत्री कंट्री पार्टनर के साथ सेशन करेंगे, जिसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व्यास हॉल में नीदरलैंड पार्टनर कंट्री के साथ में सेशन करेंगे। वहीं दूसरा सेशन दधीची हॉल में 2 बजे होगा, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 11 सत्र भी अलग अलग समय पर आयोजित होंगे। तो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और आज 13 सेशन होने हैं, जिसमें यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ में केंद्र सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। तो 17,000 से ज्यादा एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं। पूर्वी यूपी के लिए 9.55 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। बुंदेलखंड के लिए 4.28 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। रिलायंस यूपी में 75,000 करोड़ का निवेश करेगी। रिटेल और एनर्जी सेक्टर में भी भारी तादाद में निवेश होगा। और इसी खबर पर तमाम सारी और अपडेट के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है, 13 सेशन होने हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ में यूपी सरकार के भी मंत्री इन तमाम सेशन में शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए आज दूसरा दिन है और आज भी कई अलग अलग सेशंस हैं, जिसमें कि कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, कई देशों का डेलीगेशन शामिल होगा और कई जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनके मुखिया भी आज के इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। लेकिन देखा जाए तो समिट के पहले दिन उत्तर प्रदेश ने निवेश के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है, क्योंकि देखा जाए तो 32 लाख करोड़ रूपये का एमओयू पहले दिन धरातल पर उतरा है। हालांकि सरकार का यह भी दावा है कि 90 लाख से ज्यादा युवाओं को उसके जरिए रोजगार देने का सरकार काम करेगी। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब तक जो भी पूरे देश में, चूंकि देखा जाए तो हर साल अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टर समिट कराए जाते हैं और इससे पहले जब वाइब्रेंट गुजरात हुआ था तब सबसे अधिकतम 15 लाख करोड़ रुपए का करार हुआ था निवेश का, लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया यूपी ने। अब सीधे डबल के आंकड़े पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। तकरीबन 32 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश का प्रस्ताव है या जो निवेश का आंकड़ा है वो यूपी सरकार के पास है। तो इससे निवेश के लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि मारा जा सकता है। हालांकि देखिए धरातल पर उतरना भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता खुलता है इन चीजों से। तो पहले दिन की एक बड़ी उपलब्धि के बाद आज दूसरा दिन है और देखा जाए तो आज दूसरा दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरे दिन चूंकि कई देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो आज इस समिट में शामिल होंगे और खासतौर पर अगर जो इस समिट के जो कंट्री पार्टनर है, चाहे हम सिंगापुर की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, यूएई की बात करें, तो चूंकि ये देश कंट्री पार्टनर है तो वहां के जो राजदूत होंगे, जो वहां का डेलीगेशन होगा, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और निवेश को लेकर जो निवेश का माहौल बना है या फिर जो निवेश के अलग अलग कह सकते हैं कि सेक्टर या सेगमेंट होते हैं, तो उन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी। इसके अलावा कई सेशन भी हैं, तकरीबन 12 सेशन आज रखा गया है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, खासतौर पर अगर नितिन गडकरी की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, मनसुख मांडविया की बात करें और कई दूसरे मंत्री भी हैं। वहीं अगर हम बड़े औद्योगिक घरानों की बात करें तो हिंदुजा ग्रुप की तरफ से आज माना जा रहा है कि कुछ और निवेश के प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। हालांकि देखिए पहले दिन की बात करें तो चूंकि पहले दिन अंबानी ग्रुप की तरफ से तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव यूपी को मिला है, तो देखिए ये चूंकि एक सिलसिला शुरू हुआ है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से यूपी में अब जो निवेशक है, ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के भी तमाम निवेशक हैं, खासतौर पर अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, यूएई की बात करें, सिंगापुर की बात करें या फिर जो दूसरे देश हैं, जो जिस तरीके से वो रुचि दिखा रहे हैं, वैसे में माना जा सकता है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए, इस जीआईसी के जरिए आने वाले समय में यूपी में निवेश का एक बहुत बड़ा रास्ता खुलने वाला है। इन सेशन में अविनाश कौन कौन शामिल होगा, कौन वीवीआईपी आज लखनऊ में मौजूद रहेंगे केंद्र सरकार की तरफ से?
देखिए, चूंकि 10 से ज्यादा सेशंस हैं आज, और खासतौर पर अगर हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, चूंकि देखा जाए तो रोड्स भी उनके जो सड़क का विभाग है उनके उन्हीं के पास थे, और आज का जो सेशन होगा उसमें महत्वपूर्ण ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछाया गया है उसको और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, खासतौर पर अगर हम जो बड़े एक्सप्रेसवे हैं उसके अलावा जो नेशनल हाईवे हैं या फिर रोड के मामले में यूपी देश में सबसे अग्रणी राज्य कैसे हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो अभी कई ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिस पर जिनका निर्माण का कार्य चल रहा है, चाहे हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर कई ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो लिंक एक्सप्रेसवे हैं उनका निर्माण कार्य जारी है, तो उसके साथ साथ जो दूसरी सड़कें हैं उनको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। और इसके अलावा देखिए, एक महत्वपूर्ण आज का जो सेशन होना है उसमें एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी है, वो है सड़क सुरक्षा, क्योंकि देखा जाए तो हर साल लाखों लोगों की जो मौत है वो सड़क दुर्घटना में हो जाती है, तो रोड सेफ्टी को और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है तो इस पर भी चर्चा होगी। साथ में एविएशन के सेक्टर में, चूंकि देखिए कल ही प्रधानमंत्री ने संबोधित जब किया जीआईसी को, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, तो जाहिर तौर पर यह एक उपलब्धि होगी, क्योंकि देखा जाए तो किसी भी दूसरे राज्य में एक साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो एविएशन के सेक्टर में, और चूंकि देखा जाए तो यूपी के तमाम जो खासतौर पर जो रिलीजियस जो टूरिस्ट प्लेस हैं उसको कनेक्ट करने के लिए सरकार, चूंकि चाहे यूपी गवर्नमेंट की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, सरकार इससे पहले कई योजनाओं को ला चुकी है, तो एविएशन के सेक्टर में उत्तर प्रदेश किस तरीके से अग्रणी भूमिका निभा सकता है, यहां पर संभावनाएं किस तरीके से और बेहतर हो सकती है उसको लेकर चर्चा होगी। हेल्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, चूंकि देखा जाए तो कोविड के दौरान हेल्थ को लेकर और खासतौर पर जो योगी सरकार का जो एक मॉडल था कोविड मैनेजमेंट का, उसकी चर्चा दुनिया भर में हुई, तो हेल्थ को लेकर भी एक अलग से सेशन रखा गया है जिसमें कि जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया वो उसमें शामिल होंगे, तो हेल्थ सेक्टर में उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको किस तरीके से और बेहतर और दुरुस्त उसको किया जा सकता है, जिससे पीपीपी मॉडल पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आज इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है, 13 सेशन आज होने हैं, अलग अलग